हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति। कुकिंग विद ज्योति टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने बनाए हैं मोदक। मोदक गणपति भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। गणपति का उत्सव आता है, गणपति का त्योहार आता है, तो मोदक हर घर में बनाए जाते हैं। कई तरह के मोदक बनाए जाते हैं, तो मैंने कुछ आज अलग तरीके से मोदक बनाए हैं। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको कोई बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। और इनको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये डेसिकेटेड कोकोनट से बनी हुई रेसिपी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदक के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये मैंने 2 कप लिया है। आप किसी भी कटोरी या किसी भी बर्तन से मेजरिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 कप ही लेना है, यानी 2 कटोरी या 2 कप लेना है। और यहाँ पे मैंने ये 1/2 कप के करीब मैंने शुगर ली है, और ये 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिल्क पाउडर आप ऐड करेंगे तो इससे क्या है, जो मोदक की वाइंडिंग है बहुत ही अच्छी आएगी, हमारे मोदक बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होंगे। और यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पे फूड कलर है, येलो फूड कलर। और ये 1/2 कप मैंने दूध लिया है, और 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने इलायची पाउडर लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन कर दी है, गैस पर पैन रख दिया है, तो यहाँ पे मैं कोकोनट डाल दूंगी। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा 1-2 मिनट चला लेंगे, ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, जो इसमें नमी है वो दूर हो जाए और अच्छे से ये गर्म हो जाए, बस इतना ही हमको चलाना है। कंटिन्यू 1-2 मिनट तक चलाएंगे। तो हमारा जो कोकोनट है, नारियल है, वो अच्छे से गरम हो चुका है। तो अभी मैं इसमें दूध डाल दूंगी। तो चलाएंगे, बहुत ही इजी आसान रेसिपी है, आप घर पे इजीली बना सकते हैं, और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने शुगर ली थी, वो डाल देंगे। शुगर मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, आप अपने मिठास के हिसाब से डालिए। अगर आपको जैसा मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप थोड़ा शुगर ज़्यादा कर सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, इसलिए मैंने शुगर कम ली है, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी जो शुगर होती है, शुगर मिक्स होती है, मीठा ज़्यादा होता है मिल्क पाउडर, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो शुगर मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे जो मिल्क पाउडर है वो भी मैं डाल दूंगी। शुगर हमारी मेल्ट हो रही है, शुगर भी पानी छोड़ती है, तो इसलिए शुगर को अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे और कंटिन्यू 1-2 मिनट तक इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको कंटिन्यू चला रही हूँ, और इसको तब तक चलाना है जब तक आपका दूध अच्छे से सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, और ये जो पेस्ट है ये भी अच्छे से ड्राई होना चाहिए, और दूध और जो चीनी है उसको अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। शुगर हमारी मेल्ट हो गई है, मैंने स्पैचुला चेंज कर लिया है। स्पैचुला इसलिए चेंज किया है क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, हमने मिल्क पाउडर डाला है इसीलिए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैं डालती हूँ इलायची पाउडर। और यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है, फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने मिल्क पाउडर डाला था, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। तो आप 1/2 कप के करीब मलाई डाल सकते हैं, मलाई तो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है।
अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा जो पेस्ट है वो पैन छोड़ने लगे तब तक हमको चलाना है। देखो अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे घी डाल दूंगी। अब मिक्स कर लेंगे। हमारे 1 से 2 मिनट हो गए हैं और जो बैटर है जो पेस्ट है उसने पैन छोड़ने लगा है। देखिए बिल्कुल भी पैन में चिपक नहीं रहा है। अब गैस कर देंगे बंद और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, लेकिन 1-2 मिनट चलाते रहेंगे नहीं तो ये लग जाएगा। पैन गर्म है इसलिए इसको 1-2 मिनट चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पेस्ट है वो तैयार है और पेस्ट हमारा 1 से 2 मिनट मैंने कंटिन्यू चलाया है। धीमी आंच पर ही चलाना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए हमारा जो पेस्ट है वो पैन छोड़ने लगा है, देख सकते हैं ये चिपक रहा है। मतलब जो चिपकने की थोड़ी सी जो पेस्ट है चिपकने की कंसिस्टेंसी में आना चाहिए तभी ये हमारे मोदक बनेंगे। अगर आपको इसमें मिल्क पाउडर कम लग रहा है तो आप इसमें मिल्क पाउडर थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए और आप चाहें तो मलाई भी और ऐड कर सकते हैं और चीनी भी अच्छी आप अपने हिसाब से डालिए तो फिर आपका जो पेस्ट है बहुत अच्छा तैयार होगा। और ये गैस बंद कर देंगे और 1-2 मिनट तक चलाएंगे क्योंकि हमारा पैन जो है वो बहुत गर्म है अभी, नहीं तो ये तले पे लग जाएगा, जलना नहीं चाहिए इसको। और 1-2 मिनट इसको चला के हल्का सा ठंडा करना है, ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है। और ठंडा करने पे इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद इसको प्लेट में निकालती हूँ। हमारा जो पेस्ट है इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा फैला देंगे तो जो हमारा पेस्ट है वो ठंडा हो चुका है। अभी हल्का सा गर्म है तो इसको अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे ताकि जो है हल्का सा ये गर्म बना रहे। अभी क्या करेंगे, मोदक कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मेरे पास मोल्ड है मोदक बनाने का और ये बाजार में मार्केट में अच्छे से अवेलेबल रहता है और ये आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें किस तरह की पिन आती है जो इसको लॉक कर देती है और ये पिन निकालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पिन निकाली और ये इजीली खुल गया। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया है इसको। अभी क्या करेंगे, चम्मच की सहायता से इसको थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और इसको फिल करेंगे। आपको इसके अंदर डालना है, इस तरह फिल करिए, अच्छे से फिल करना है, कम फिल नहीं करना है। इसको अच्छे से भरना है ताकि जो हमारा मोदक का है मोदक का शेप बहुत अच्छे से आए। तो देखिए मैं इसको अच्छे से हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, जितना एक्स्ट्रा है वो निकाल लूंगी। देखिए इस तरह आपको फिल करना है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका मोदक नहीं बनता है तो भी बनेगा, मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए इस तरह फिल कर दिया और ये इसको क्या करेंगे, इस मोल्ड को आराम से धीरे से खोलेंगे। तो अभी क्या है, हमारा मोदक बन गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर से इसको भर देंगे। देखिए इस तरह से पूरा सेट कर देंगे, थोड़ा हाथ से सेट कर देंगे अच्छे से। और क्या है, इसको फिर से प्रेस करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे तो हमारा जो मोदक है इसको खोलेंगे मोल्ड को। देखिए हमारा मोदक कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा मोदक बनके रेडी है, कितना सुंदर हमारा मोदक बना है। तो इसको मैं इधर रख देती हूँ और भी और मोदक बना लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आपका मोदक बिगड़ जाता है तो आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आप इसको पहले बंद कीजिए, इसमें थोड़ा सा पेस्ट डालिए, थोड़ा सा डालना है और किसी भी फिंगर से इसको थोड़ा सा अंदर प्रेस कीजिए ताकि ये अंदर तक जा सके, यहाँ तक जा सके, नहीं तो यहाँ पे हमारे जो है
मोदक इनकम्प्लीट रहेंगे, इतना ही बनेगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे इसको डालना है अच्छे से, फिंगर से इसको प्रेस करना है, अच्छे से दबा देना है, फिर बाकी आप इसको हाथ से डालिए चाहे आप चम्मच से डालिए। हाथ से डालेंगे तो आपसे अच्छे से इजीली बन जाएगा। देखिए मैं डालती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको अच्छे से चिपका देंगे, अच्छे से फ्लैट कर देंगे, प्रेस करेंगे और अच्छे से दबा देंगे और इसको धीरे से खोलेंगे। देखिए अगर आपका जो मोदक है यहाँ से इतना ही बनता है तो आप टेंशन ना लें, ऊपर से लें, इसको यहाँ पे पेस्ट को डाल दें और अच्छे से हाथ से सेट कर दें और फिर इसको फिर से एक बार प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद फिर धीरे से आराम से खोलना है आपको और आपका ये बन जाएगा। अगर बीच में भी आपके क्रैक्स आ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आप ये थोड़ा सा पेस्ट लीजिए, ऊपर से इसको डाल दीजिए और ऊपर से इसको दबा दीजिए और फिंगर की सहायता से इसको सेट कर दीजिए। फिर इसको मोल्ड को आप इस तरह दबाएंगे, प्रेस करेंगे और ये बन जाएगा आपका। और इसको आपको क्या करना है, धीरे से निकालना है। देखिए ये चिपका हुआ है, निकलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसको ऐसे धीरे से निकालेंगे उल्टा करके, आपका ये इजीली निकल जाएगा। तो देखिए हमारा मोदक कितना अच्छा रेडी हुआ है। अगर जिनके पास मोल्ड नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो आप एक बॉल बना लीजिए, आप अगर आपसे मोदक नहीं बन रहे हैं तो आप इसको लड्डू भी बना सकते हैं, लड्डू भी भगवान को बहुत पसंद होते हैं, लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोल शेप कर लिया है और थोड़ा सा इसको ओवल शेप देंगे, हल्का सा इसको ओवल शेप देंगे और यहाँ पे इसको गद्दी पे रखेंगे और हाथ की सहायता से इस तरह चारों फिंगर से इसको इस तरह करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, बनाते जाएंगे और इसको हल्का सा उठा देंगे। तो देख सकते हैं, तो देखिए हमारा जो मोदक है बहुत ही अच्छा शेप में रेडी हो रहा है, देख सकते हैं। देखिए इस तरह ये हमारा मोदक बन के रेडी है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है और आप गणपति जी के लिए मोदक ही बनाना चाहते हैं, लड्डू नहीं बनाना चाहते, तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो अब आपको करना क्या है, इसको आप कोई भी चम्मच लीजिए या चाकू लीजिए और ये उल्टा कर लेंगे चम्मच को और यहाँ से इसमें ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे चारों तरफ प्रेस करेंगे, धीरे से करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो जो हमारा मोल्ड का जो मोदक है बिल्कुल वैसे ही रेडी हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे, तो देखिए हमारा ये मोदक बनके बिल्कुल रेडी है। ये भी बहुत ही अच्छा हमारा मोदक बनके रेडी हुआ है, इसको भी रख लेंगे। तो चलिए बाकी भी मोदक बना लेती हूँ मैं। तो देखिए मेरे मोदक बनके रेडी हैं, बहुत ही अच्छे मोदक बनके रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप इसको अपने घर में बना सकते हैं। और हमने जो पीला रंग दे दिया है उससे बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलते हैं मोदक, वैसे ही दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं इस गणपति पे आप ज़रूर बनाइए और भगवान गणपति को ज़रूर खुश कीजिए। तो बताइए कमेंट में मुझे आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।